तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो अफर्मेशंस हैं, मेरी एक मॉर्निंग अफर्मेशंस है, एक नाइट अफर्मेशंस है, पहले तो उसको अपनी लाइफ के हिसाब से लिखिए, एज इट इज कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो जो अफर्मेशंस हैं वो मैंने अपने स्टैंड पॉइंट से लिखी है, आपके स्टैंड पॉइंट से हो सकता है अभी जिस सिचुएशन में आप लाइफ में है उसके अकॉर्डिंग कुछ और लाइंस वहां पे ऐड करनी हो, कुछ लाइंस हटानी हो, लिखने के बाद में उसको आप याद कर लीजिए, और आप मुंह से भी बोल सकते हो शीशे में देख करके। तो जब ये हो रहा है तो आप अपने सारे सेंसेस को एंगेज कर रहे हो एक साथ में। अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो वो पैसिव भी हो जाता है। बहुत बार आप लोगों ने नोट किया होगा मेरी कोई वीडियो लगा ली, उसको सुन रहे हो, बीच में लिंक टूट जाता है एकदम से। लेकिन जब खुद को बोल रहे हो और स्पेशली शीशे में देख करके बोल रहे हो, उसका इफेक्ट 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि आप बीच में पैसिव हो ही नहीं सकते, एक भी लाइन बीच में स्किप नहीं हो सकती, क्योंकि आप सोच करके बोल रहे हो। पहले आपको याद करना पड़ेगा, फिर याद करने के बाद में उसको रिकॉल करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे, जब बोलोगे तो सुनोगे भी, और प्लस आप देख भी रहे हो अपने आप को, अपने एक्सप्रेशंस को, तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे बिहेवियर में आने लग जाएगी। और ये अफर्मेशंस को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब कहीं पे वॉक कर रहे हो, चलते चलते अपनी उन अफर्मेशंस को यूज कर सकते हो। ये अफर्मेशंस होती क्या है, एक तरह की डेली प्रेयर है, एक डेली रिचुअल है जो बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे क्यों है जरूरी, इसके बिना भी काम चल जाता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, देखो ध्यान से समझो, हमारे आसपास में चारों तरफ क्या है, पॉजिटिविटी भरी हुई है या नेगेटिविटी भरी हुई है? लोगों की शक्लें देखो, लोगों की आंखें देखो, लोगों की बातें देखो, अपने घर में देखना क्या है, आप देखते हो सुबह से रात तक, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? Yes, sir. चारों तरफ नेगेटिविटी है, हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हर एक को सिर्फ अपनी पड़ी है, चारों तरफ कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हर कोई अपनी लाइफ से ही परेशान है, वो आपकी क्या हेल्प करेगा? आपकी हेल्प सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसने पहले खुद की हेल्प कर ली है। ऐसे लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर है इस दुनिया में। तो आप पूरी तरह से अकेले हो, क्या बोला किसी ने कुछ बोला, आप हो ना सर? मैं हूं ना। So I was saying कि ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। तो क्या हो रहा है कि अब आप एक तरफ से लोनली हो, एक तरफ से आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन का मतलब ही होता है लड़ना है, लड़ाई की भी तैयारी करनी है, प्लस ये भी टेंशन है जो मैंने सीखा है, अगर वो एंड मोमेंट पे भूल गई तो क्या होगा, उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग इन योर ब्रेन जो आपको खुद भी पता नहीं है, एक साथ में बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही है, ऐसे ही होता है। तो ये अफर्मेशंस क्या करती है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये डेली गार्डनिंग के जैसी है। जैसे हम सबका जो माइंड है ना, वो एक लैंड के जैसा है। अब अगर डेली आप उसकी केयर करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लैंड मेंटेन रहेगी, या वहां पर ग्रीनरी होगी, या जैसी आप चाहते हो वैसी वो लैंड होगी। लेकिन अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे, ऐसी छोड़ दिया, तो क्या होगा? तब ये मत समझो वहां पे कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ होगा, लेकिन हो सकता है वो हो जो आपको नहीं चाहिए, यानी कांटे हो, फिर आपको कांटे लगेंगे, फिर आप रोओगे, कहोगे ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि गार्डनिंग हमने नहीं करी अपने माइंड की। आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में बहुत सीरियस है अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के? आई एम नॉट श्योर कि आप ये सिर्फ कह रहे हैं या एक्चुअल में है, या फिर अपने करियर को लेकर के तो बहुत सीरियस है, पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, पैसे को लेकर के सीरियस है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द मेंटल हेल्थ। तो ये मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन हो पाएगी? जब आप बार बार अपने आप को एक बात रिपीट करोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो धीरे धीरे जा करके धीरे धीरे वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज आने लग जाएगी, फिर आप नहीं भी चाहोगे तो वैसे एक्ट करने लग जाओगे। जैसे अपने आप को बोलो, अभी करके देखते हैं प्रैक्टिकली, कि मैं बहुत सुखी हूं। एक मिनट, ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3, ठीक है, साथ में बोलेंगे। कैसा फील हो रहा है? क्या किया आपने? कुछ अच्छा ही तो बोला है अपने आपको, और क्या किया? लेकिन सुबह से रात तक जो वेब सीरीज आप देखते हो उसमें क्या है, खुद बताओ क्या है उसमें, गंदगी के अलावा? ये आपके माइंड को कैसा बना देगा, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा
चारों तरफ कांटे होंगे, फिर आप रहोगे बैठ करके, कहोगे ये क्या हो गया मेरे साथ में। अरे जो देखोगे, सुनोगे, जो कंज्यूम करोगे, वैसे ही तो माइंड एक्ट करेगा ना। हम सबको गलतफहमी पता है क्या है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारे थॉट्स हैं, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी जो विल पावर है उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है आपकी विल पावर की लिमिटेशन क्या है? अगर अंदर कचरा भरते चले जाओगे ना, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, इसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसके बाद में जाकर के आप चाहे कितना ही अच्छा बोल लो अपने आप को, आपके साथ बुरा ही होना है। इसको बोल सकते हैं कि आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं। जैसे एक नदी है जो बहुत तेज बह रही है, आप उसके अगेंस्ट तैर रहे हैं। आसान है, मुश्किल है? हाँ, कुछ मुश्किल भी होता है दुनिया में। ये नहीं ना मैं बोलता हूं आसान है तो हर चीज आसान है। तैर के दिखाओ समुद्र में, कब तक तैर पाओगे? डूब जाओगे ना। आपका कंट्रोल सिर्फ यहां तक है कि आप अपने माइंड में क्या प्लांट कर रहे हो, उसके बाद आपका कंट्रोल कहीं नहीं है। उसके बाद थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, बिहेवियर, सब कुछ अपने आप होगा। तो अगर ये बात आपको यहां तक समझ आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपको चाहिए डेली रिचुअल, डेली अफर्मेशन, खुद की बनाई हुई। मेरी नहीं चलेगी, कोई और यूट्यूब पे वो नहीं चलेगी, खुद की बनाओ। इससे मेरे व्यूज कम हो जाएंगे मेरी वीडियोस में, बट कोई बात नहीं, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, लिखा उन अफर्मेशन को, याद किया, और जब भी अच्छा फील हो रहा है तब बोला। ध्यान से सुनना मेरी इन बातों को, थोड़ी सी उल्टी है उससे जैसे आप लोग समझते हो इस दुनिया को। कबीर का एक दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे माइंड की धज्जियां उड़ जाती है तब आकर के मेरी वीडियोस देखते हो, और फिर कहते हो सर वीडियो तो देख रहे लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जब अच्छा टाइम था तब क्या किया, खाओ पियो मस्त रहो, उल्टी सीधी सारी वेब सीरीज देखो, मतलब दिमाग में पूरी तरह से कचरा भर लिया है। फिर जब बदबू आनी शुरू हुई तो फिर आ रहे हो कि इसका इलाज क्या है। अरे वो बदबू बाहर से नहीं आ रही, आपके अंदर से आ रही है। तो आपको क्या करना है, डेली एक रिचुअल चाहिए, इसको रट लो और इसको रेगुलर मरते दम तक प्रैक्टिस करना है। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे 10 मिनट करो, डेली वॉक करनी है, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि उससे भी थॉट्स का कनेक्शन है। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाओगे तो थॉट्स भी थोड़े से स्पाइसी आएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, एक हो गया अफर्मेशंस, दूसरा है डेली आपको रात को सोने से पहले एक पेपर पेन ले करके लिस्ट बनानी है कि अगले दिन मेरा पूरे दिन का शेड्यूल क्या होगा। बहुत जरूरी है डेली रात को सोने से पहले अपने माइंड को क्लियरली ये बताना है कि अगले दिन का क्या टारगेट है, कितने बजे उठना है, उसके बाद में इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, एंड दैट हैज टू बी रियलिस्टिक। मतलब इतना रियलिस्टिक कि वो करना है तो करना है, चाहे कम लिख दो, कम लिख के ज्यादा कर दो। ये नहीं कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगी, उसके बाद में 12 घंटे पढ़ूंगी नॉनस्टॉप। बहुत अच्छा, उसके बाद में आपका माइंड कुछ दिन बाद आपसे क्या कहेगा कि तू झूठी है। तो बिल्कुल रियलिस्टिक गोल्स बनाओ तो माइंड को क्या होगा, एक क्लियर गोल मिल जाएगा, एक क्लियर पाथ मिल जाएगा अगले दिन का, कि अगले दिन मुझे क्या अचीव करना है। अब इसके बाद में एक काम और करना है कि रात को सोने से पहले जब नींद आने ही वाली है और हम बेड पे लेटे हुए हैं, उस वक्त ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। जो भी दिन में अच्छा हुआ, कुछ तो हुआ होगा, कहीं तो हुआ होगा, कहीं से रोड क्रॉस कर रहे होगे, किसी ने आकर के गाड़ी रोक दी होगी, वो भी यहां पर। यहां कोई गाड़ी रोकता है किसी के लिए? आपके लिए किसी ने गाड़ी रोकी, अरे अरे अरे, अरे कितना भला आदमी होगा। तो उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड निकलना चाहिए दिल में से। तो इस तरह से अपने माँ बाप के लिए, अपने हाथ पैरों के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, जो भी आपके पास में अभी है और सही सलामत है, जो हो सकता है कल ना हो, ये छोटी चीज नहीं है। कल सुबह आप सोचो उठो और एकदम से देखो पैर ही नहीं है मेरे, तो पैर कहाँ गए? अभी हंस रहे हो, ये हंसने वाली बात नहीं है। ये लाइफ एकदम ही अलग ट्रैक पे चली जाएगी। अभी जैसी सोच रहे हो ना, सब कुछ बदल जाएगा ओवरनाइट। और ऐसा हो जाता है लोगों के साथ में, एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में पता लगा स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई। तो अगर मेरे को सम अप करना हो, मैं क्यों करूं, आप ही करो, आप बताओ मैंने क्या 3 चीजें बोली है। सर अफर्मेशन जो मुझे खुद लिखनी है अपने लिए, एंड दूसरा नेक्स्ट डे के लिए टाइम टेबल कि मुझे इतने बजे उठना है, ये करना है, देन ये, और वो भी छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं।
एंड रात को सोते टाइम या फिर सुबह मॉर्निंग में जो मेरे पास है उसके लिए गॉड से प्रेयर करना कि ये सब देने के लिए मुझे थैंक यू एंड ऑल. परफेक्ट. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर.